कहाँ खो गई? केक काट। पुष्टि, सिर्फ एक पीस। हाँ, दूसरे पीस को हाथ लगाया तो? मानव, आने दीजिए ना उसे, क्यों रोक रहे हैं आज? अर्चना, खा ले पुष्टि। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। जो पूरा दिन बर्थडे कॉल्स आते रहेंगे, लेकिन तुझे मैक्सिमम टाइम हमारे साथ स्पेंड करना है, अपनी फैमिली के साथ। चलो चलो, लेट्स गो। हाय। अरे, मेरी फोटो? आप बैठिए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे मानसी, तो चोरी पकड़ी गई ना? मतलब तुमने ये फोटो छुपा कर रखी होगी और मानसी के हाथ लग गई होगी, है ना? चलो अच्छा ही हुआ कि मानसी को भी हमारे बारे में पता चल ही गया, इसलिए वो इस तरह एम्बेरस होकर भाग गई। कहकर गई कि चाय लेकर आती हूँ और भागी है कमरे के अंदर। वैसे अंकिता, ये मानसी भी कितनी बड़ी हो गई है ना, लगता है इसकी भी शादी करा देनी चाहिए, और इसको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, वो है ही इतनी सुंदर प्यारी। क्या हुआ? क्या मैं अभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता? अरे, आप तो सबको मालूम पड़ चुका है, तुम्हारे बाबा को, मेरी आई, मेरे बाबा, मानसी, प्रशांत, सबको। अब क्यों शर्मा रही हो? ओ, कहीं मानसी ना आ जाए इसलिए डर रही हो? तुम्हें डरने या शर्माने की जरूरत नहीं है, उसे बुरा नहीं लगेगा। उल्टा मुझे लग रहा है कहीं वो मुझे आज से ही जीजू पुकारना शुरू ना करते। इंडिया से फोन? हेलो हेलो, शीतल बोल रही है पूर्वी। शीतल, शीतल कैसी है तू? कहाँ है इतने दिनों से? हाँ, मैं तो मुंबई में हूँ, तुम बताओ? कनाडा में ही हूँ, और कहाँ जाऊंगी। अच्छा पूर्वी सुन ना, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। याद है 20 साल पहले सोहम दादा के साथ कुछ अनहोनी हुई थी? तुम लोगों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर उनका कुछ पता नहीं चला। मगर आज अचानक से तू ये बात क्यों पूछ रही है? कुछ हुआ है क्या? हाँ, एक अजीब बात हुई है। इतने सालों बाद मुंबई में मैंने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल सोम दादा की तरह दिखते हैं। ये क्या बोल रही है तू शीतल? Are you sure? Yeah, I'm 100% sure. इसलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया। रात का वक्त था, अंधेरा था, फिर भी उन्हें मैंने क्लियरली देखा। And I'm sure वो सोम दादा ही थे। एक पल के लिए मैं भी शॉक हुई थी, फिर सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। अब शीतल, तुझे पक्का यकीन है ना वो सोहम दादा ही थे? हाँ, मैंने कहा ना, वो सेम टू सेम सोम दादा की तरह दिखते हैं। I'm 100% sure वो सोम दादा ही है। ठीक है, थैंक्स। अजूबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है आई के वापस आने से पहले। एक्चुअली तेरी आजी और पूर्वी के आने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है। ये पायनियर कंपनी की डील किसने कैंसिल की और क्यों? मैं
पूर्वी क्या हुआ? तू तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? आई मुझे मुझे तुझको कुछ जरूरी बताना है। अजूबा वो डील मैंने कैंसिल करवाई है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी अर्जुन किर्लोस्कर की है। क्या? हाँ, और मैं नहीं चाहती कि हम उससे कोई भी रिश्ता रखें किसी भी वजह से। वो जितना दूर है उतना ही अच्छा है। जिंदा है उर्वी? अगर सोहम जिंदा है तो मैं... आई आई देख, अभी अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ प्लीज शांत हो जा। मैं जानती हूँ पूर्वी, मैंने उसके साथ बहुत गलत बर्ताव किया था, लेकिन उसने काम भी तो ऐसे ही किया था। मैं नहीं जानती हूँ, जब जब मैं वो सब कर रही थी तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। आई आई मैं तुझे कह रही हूँ ना, शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, किसी को पता ना चल जाए प्लीज। लेकिन उर्वी अगर सोम सोम वाकई में जिंदा है तो? आई मैं तुझे कह रही हूँ ना, एक बार बात को कंफर्म होने दे। तू ऐसे रोने लगे कि तो सबको पता चल जाएगा, और अगर सबको पता चल गया तो तू जानती है ना, सबको ये लगेगा कि तो हम दादा जिंदा है, वो वापस आ रहे हैं, फिर क्या होगा? तू अच्छी तरह से जानती है आई। आई फिर ये भी हो सकता है कि वो आदमी कोई और हो, मतलब जिसे शीतल ने देखा हो वो सोहम दादा हो ही ना, और इसीलिए मैंने ये डील कैंसिल करवाई और इंडिया की टिकट भी। अब मैं और आई यूएस जाएंगे एक बिजनेस इवेंट के लिए, और अगर हम वहाँ ना भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इंडिया नहीं जाएंगे फॉर श्योर। आई मैं इंडिया जा रही, तुरंत वापस भी आ जाऊंगी, बस एक बार तसल्ली करना चाहती। हाँ, तू इंडिया जाके बता कर, तू पक्का जाएगी मेरे खातिर? मैं जानती हूँ आई कि सोहम दादा तेरे लिए क्या मायने रखते, और फिर वो पेनियर कंपनी की डील भी तो पेंडिंग है। वहाँ अगर अर्जुन मिला तुझे तो? वो आदमी मेरे लिए मर चुका है। अगर कहीं तुझे वो भी मिले और वो हमारे बारे में कुछ जानना चाहे तो उसे कह दे कि उसके लिए उसका परिवार 20 साल पहले ही मर चुका है, से किसी के बारे में कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं। और भी अगर सोहम जिंदा है ना, और अगर वो लड़की अंकिता कहीं सच्ची उसकी बच्ची है, तो मैं उसे सारे हक देना चाहती हूँ, उसे वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जो मेरे सारे पोते पोतियों को मिली। अरे भगवान, आज तो दारू के साथ खाने का ही बंदोबस्त हो गया। भिखारी चोरता ही ससुर मार मार इको मार मार इको मार ये जान से मार दे इको मार दे मार दे इको मार 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 इको मार मार सर ऐ सर आज का दिन ही खराब है। इनको ना बात नहीं, भाई का तो बंदोबस्त नहीं है। ए चंदू सबर रख बे, तोरे कोई दे रहे? चल एक तो बढ़िया चाय पीला, बहुत थक गए बे। अबे उठ चल, आगे की रोड पे आके बैठ जा चल। तोरे को भी 20 का रोका दिया ना हमने, अब यहाँ से चाय पिए बगैर जाएंगे नहीं तू देख। अबे बात तो ऐसा कर रहा है जैसे पैसा देख के बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे पे। ये तेरा पिछला उधारी है समझा, अभी 350 में से 20 कटा, बचा कितना 330, वो लेकर आ फिर तुझे चाय से नहला दूंगा चल। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।